एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आरती एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जियां कैसे चूज करें। जैसे कि आपने मेरे टाइटल में देख ही लिया होगा, थंबनेल में, तो बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ही अपनी वेजिटेबल यानी कि प्याज की, क्योंकि प्याज जो है हमारी इंडियन करीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, तो ये सबसे ज्यादा खरीदा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको कैसे खरीदना चाहिए। तो बेस्ट प्याज खरीदने के लिए मैं आपको तीन टिप्स दूंगी आज, जो कि आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले जब भी आप प्याज उठाएं तो आप देखें कि उसको ऐसे प्रेस करके देखें। प्याज जो है हमेशा सख्त होना चाहिए। जितना वो हार्ड होगा अंदर से उसके खराब होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अगर आप प्याज को ऐसे इस तरह से प्रेस करेंगे और आपको लगता है वो थोड़ा सा स्क्वीज हो रहा है या थोड़ा सा थोड़ा सॉफ्ट है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके अंदर से गले होने के चांसेस होते हैं। अगर वो हार्ड है तो वो अंदर से भी बिल्कुल लेयर बाई लेयर होगा, बिल्कुल खराब नहीं निकलेगा। तो टिप नंबर टू, आपने उसकी जो ये वाली पार्ट होता है, ये जो जहां पे इसकी कुछ मूछे जैसी होती है ना, ये आपने देखना है, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। यहाँ पे भी आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं या फिर आप वैसे भी देख करके भी इसको चेक कर सकते हैं। ये पार्ट अगर इसका ड्राई है तो इट मीन्स जो प्याज है वो अच्छे से सूखा हुआ है। प्याज हमेशा आपको सूखा लेना है, गीला नहीं लेना है। गीला प्याज के खराब होने के 50% चांसेस ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा लंबा टिकता भी नहीं है। लेकिन अगर आपका प्याज बिल्कुल सूखा होगा तो वो लंबे समय तक टिकता भी है और अच्छा निकलता है। तो टिप नंबर थ्री की प्याज जो है आपको गांठ वाला नहीं लेना है। गांठ वाले से आप समझते होंगे, कुछ आपने प्याज देखे होंगे उसके दो पार्ट्स होते हैं, बीच में से दो पार्ट्स है, जैसे कि बिल्कुल राउंड है, तो वो राउंड नहीं होता है, उसके दो एक ही साथ दो प्याज जुड़े हुए होते हैं। उससे क्या होता है, प्याज के ज्यादा वेस्ट होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि आपका जो छिलका है आपने देखा होगा कि उसमें जो इसका पील है, इसका जो छिलका है वो ज्यादा निकलता है। इस जो बिल्कुल राउंड प्याज होता है उसमें छिलका कम निकलता है, और जो गांठ वाला प्याज होता है उसके अंदर से गले होने के, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, आपका प्याज ऑलवेज परफेक्ट होगा। और रही बात कि आपको लाल वाला प्याज खरीदना है या सफेद वाला प्याज खरीदना है, तो टेस्ट वाइज दोनों ही सेम होते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ लाल वाला प्याज, क्योंकि उससे कलर काफी अच्छा आता है हमारी करीज में और वैसे भी सैलेड में अच्छा लगता है। और दूसरी बात, अगर आप राउंड वाला प्याज खरीदते हैं ना, तो सैलेड उसका बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि आपको उसके राउंड राउंड रिंग्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि प्याज को लंबे टाइम तक स्टोर कैसे करके रखें। प्याज जो है, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्याज हमेशा सूखी होनी चाहिए, तो इससे ये तो क्लियर है कि जब भी आप प्याज को स्टोर करें तो वो जगह बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। आप कोशिश करें किस ऐसी बास्केट में आप इसको स्टोर करें जिसमें कि छेद हो, उसमें हवा क्रॉस हो सके, क्योंकि अगर आप इसको किसी नीचे से बंद किसी बर्तन में रखते हैं तो नीचे उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और प्याज में अगर एक बार मॉइस्चर आ गया तो उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको हमेशा सूखी जगह आप इसको स्टोर करके रखें, और कोशिश करें ऐसी जगह पे जहां पे हवा जो है नेचुरल हवा हो। आपको इसको फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, बाहर इसको नॉर्मल टेम्परेचर में स्टोर कीजिए, किसी खुले बर्तन में, हवादार बर्तन में। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल हमारी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैं खरीदने के आपको तीन टिप्स बताऊंगी। टिप नंबर वन, इसकी जो स्किन है वो बिल्कुल शाइनी होनी चाहिए, मुरझाई होनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शाइनी है तो इट मीन्स ये बिल्कुल फ्रेश है अभी। अगर मुरझाई हुई है तो नेचुरली है कि ये बासी हो चुकी है। टिप नंबर टू कि जब भी आप इसको खरीदे तो आप इसको प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल प्रेस नहीं होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। और सेकेंडली कि जब इसको आप वेट करके देखें तो वेट इसका हैवी होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी नहीं बट हैवी होना चाहिए, क्योंकि आप कभी कंपेयर करके देखना, जो बासी वेजिटेबल, बासी जो शिमला मिर्च होती है उसका वेट कम होता है और जो फ्रेश होती है उसका वेट ज्यादा होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो इसकी जो स्किन होती है, ये जो शिमला मिर्च होती है, स्किन में इसके एक जूस होता है, जब आप काटते हैं ना फ्रेश शिमला मिर्च को, तो उसमें से एक नेचुरल जूस निकलता है। तो जूस होने की वजह से इसकी जो स्किन है उसमें अच्छा क्वांटिटी में जूस रहता है और ये हैवी रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये बासी होती जाएगी, ये ड्राई होती जाएगी, तो इसकी स्किन भी कम शाइनी होती जाएगी और इसका जो नेचुरल जूस है वो भी कम होता जाएगा। तो जूस कम हो रहा है तो इट मीन्स इसका जो वेट है वो भी कम हो रहा है। और ये जो इसके जो सख्त है ना, इसमें जो टाइटनेस होती है, जैसे कि हमारी स्किन होती है ना यंग होती है, तो उसमें एक अलग सी टाइटनेस होती है, जैसे जैसे वो एजड होती जाती है तो उसमें भी जो टाइटनेस है वो कम हो जाती है, थोड़ी ढीली हो जाती है। तो सेम हाल इसकी स्किन का भी है, ये टाइट है, हैवी है और शाइनी है, तो इट मीन्स ये फ्रेश है।
टिप नंबर 3 कि आप इसकी स्टेम को चेक करें। स्टेम अभी आप देख सकते हैं जैसे इसकी स्टेम बिल्कुल हरी है, तो स्टेम हमेशा हरी होनी चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि आपकी जो शिमला मिर्च है वो बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि जैसे जैसे ये बासी होती जाएगी इसकी जो स्किन है ये भी बेचारी बूढ़ी होती जाएगी, इसका कलर जो है वो ब्राउन होता जाएगा। तो शिमला मिर्च खरीदते समय 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए, स्किन शाइनी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए, और इसकी जो स्टेम है वो बिल्कुल ग्रीन होनी चाहिए। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये तो एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि इसमें कोई भी होल ना हो और कोई भी कहीं से ये गला या सड़ा नहीं होना चाहिए या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसको स्टोर कैसे करना है। वैसे तो वेजिटेबल है, हम इसको फ्रेश ही कंज्यूम करते हैं, बट फिर भी आपको 1 या 2 दिन के लिए रखना है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये 1 या 2 दिन तक फ्रेश रहती है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नींबू की। तो नींबू जब भी खरीदें तब 3 बातों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात, जो नींबू है वो सॉफ्ट होना चाहिए। बाकी वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई कि वो हार्ड होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा नींबू है वो सॉफ्ट होना चाहिए। जितना नींबू सॉफ्ट होगा उसमें जो जूस है वो ज़्यादा निकलेगा, लेकिन वो सॉफ्ट होना चाहिए, गला हुआ नहीं होना चाहिए। दो तरह के नींबू सॉफ्ट निकलेंगे, या तो फिर वो गला हुआ होगा तब भी वो सॉफ्ट होगा, लेकिन जब आप गले हुए को इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो वो यहाँ से फट जाएगा, वो उसका कलर भी इतना शाइनी नहीं होगा। लेकिन आप इस तरह से जो येलो कलर का होगा उसको प्रेस करेंगे तो वो जूसी होगा, फटेगा नहीं, फ्रेश होगा। दूसरी बात, उसकी जो स्किन है शाइनी होनी चाहिए, नो डाउट फ्रेश चाहिए। कोई भी चीज़ है फ्रेश है तो उसकी जो यंग है कोई भी चीज़ तो उसकी स्किन तो ग्लोइंग होती है। तो अगर आपको यंग सा नींबू चाहिए तो स्किन उसकी ग्लोइंग होनी चाहिए और कलर उसका येलो होना चाहिए। और तीसरा, इसकी जो स्किन है वो पतली होनी चाहिए। अब पतली कैसे होगी वो आपको इसके प्रेस करने से पता चल जाएगा कि इसकी स्किन पतली है कि नहीं। अगर कोई प्रेस करने पे हार्ड निकलता है तो इट मीन्स वो आपकी उसकी स्किन है जो ना वो मोटी होगी, और मोटी स्किन वाले का मतलब ये है कि वो अंदर से अभी अच्छे से पका हुआ नहीं है, और पका हुआ नहीं है तो इट मीन्स वो जूसी नहीं है, और उसका कलर जो है ब्राउन नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आप 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके नींबू जो है बिल्कुल फ्रेश होंगे और ज्यादा जूसी होंगे। और रही बात अब इनको स्टोर करने की, तो नींबू जब भी स्टोर करें आप इनको अच्छे से वॉश करके सुखा करके किसी जिप लॉक में फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपके नींबू में अच्छे से जूस नहीं निकलता है तो आपको मैं 2 टिप्स दूंगी जिससे कि आपके नींबू में से नॉर्मल नींबू में से अच्छा जूस निकलेगा। टिप नंबर 1, आप जब भी नींबू यूज करें उसको एक कटोरी में पानी में डाल करके 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें, तो उसके बाद जो है नींबू सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें से अच्छा जूस निकलेगा। दूसरा, अगर आप माइक्रोवेव नहीं करना चाहते हैं तो टिप नंबर टू कि जो नींबू है उसको अपने किचन काउंटर में इस तरह से, हाथ में नहीं करना है, किचन काउंटर पे करना है, अच्छे से इस तरह से रगड़ लीजिए, इससे भी आपका जो नींबू है वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें से अच्छा जूस आएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं टमाटोज की। टमेटोज और शिमला मिर्च दोनों को खरीदने का जो टिप्स है दोनों की सेम ही है। तो इसमें भी जब भी आप खरीदें 3 बातों का सेम ध्यान रखें जैसे शिमला मिर्च में था कि इसकी जो स्किन है वो शाइनी होनी चाहिए, वेट में हैवी होना चाहिए, और थर्ड जो इसकी स्टेम है वो ग्रीन होनी चाहिए। फिर चाहे आप इसको देसी टमाटर खरीदें या फिर हाइब्रिड खरीदें, मेरे पास अभी ये हाइब्रिड टमेटोज है और मुझे पर्सनली हाइब्रिड ही पसंद है क्योंकि इनका जो टेस्ट है ना इतना खट्टा नहीं होता है। जो देसी टमाटोज होते हैं उनमें खट्टापन ज़्यादा होता है, तो जो हमारी इंडियन करीज होती हैं चाहे वेजिटेबल में यूज़ कर रहे हो या कोई दाल तड़का बनाने के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो ये वाले टमाटोज मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें पल्प अच्छा होता है और ग्रेवी अच्छी बनती है। जो देसी टमाटोज हैं वो मुझे पर्सनली सैलड में अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें खट्टापन होता है, या फिर आप सैंडविचेस में उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक नेचुरल सा खट्टापन देते हैं वो, तो उसमें वहाँ उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप करीज में यूज़ कर रहे हैं तो आई प्रेफर दीज हाइब्रिड टमेटोज जो कि टमेटो सॉस में भी अच्छा काम करते हैं। अदरवाइज जो देसी टमेटोज हैं अगर आप उनके साथ आप कितने ज़्यादा टमेटो करी बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप देसी वाले टमेटोज यूज़ करते हैं तो आपकी जो करी है वो काफ़ी खट्टी हो जाती है। तो रही बात अब इनके स्टोर करने की, तो ये भी आप 3 से 4 दिन के लिए अच्छे से फ्रेश रहते हैं, फ्रिज में वॉश करके आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। जो नीचे वेजिटेबल बॉक्स होता है किसी चीज़ में बांध के नहीं रखने की ज़रूरत है, आप नॉर्मली इसको फ्रिज में वॉश करके रख दीजिए। 3 से 4 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, लेकिन फ्रिज में रखिएगा, अगर गर्मियाँ हैं तो बाहर ये खराब हो सकते हैं।
अभी फिलहाल जो वेजिटेबल्स मेरे पास अवेलेबल थी मैंने कोशिश करी है कि उनके बारे में सिंपल से सिंपल जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और इसके अलावा जो भी अगर आप किसी और पर्टिकुलर वेजिटेबल के बारे में या फ्रूट के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस पर एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं आपकी तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय एंड टेक केयर।